पिताजी जिन्होंने एक बात कही थी कि जो भी चीज़ एक बार हमसे ना बने दोबारा बनाओ, तीसरे बार बनाओ, जब तक ना बने तब तक बनाओ, वो ज़रूर बनेगा। मैं प्रमोद साहू रायपुर से हूँ। रंगोली मेरी पैशन है और मैं रंगोली 19 सालों से कर रहा हूँ। पहले तो अजल्लीज और फूल पत्तियाँ बनाते हैं घर पे रंगोली, वो बचपन में करता था। फिर धीरे धीरे वो रियलिस्टिक हुए, रियलिज्म में आया और अभी 3D के साथ साथ मैं हाइपर रियलिस्टिक कर रहा हूँ। जो मोटो होता है काम करने का, वो मैं कल्चर पे काम करना प्रेफर करता हूँ। कल्चर से ही हमारा रिलेशन है रंगोली का, तो मेरा मेन फोकस छत्तीसगढ़ी कल्चर पे, मैं कैसे अपने कल्चर को मैं अपने काम से दिखाऊं। बचपन से ही लगन था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, आर्ट फील्ड पे लगन जो था, जैसे कि प्रैक्टिकल कॉपी होते हैं स्कूल पे, तो एक कोरे की तरफ मैं ड्राइंग करता था और एक तरफ मैं पढ़ने वाला काम करता था। और बचपन में रंगोली जनरली सब बहन करते हैं, वैसे ही मेरी बड़ी बहन वीणा दीदी करते थे, तो मेरा काम था कि बैठना और कलर्स को छेड़छाड़ करना, तो ऐसे ही होता रहा। और कुछ दिन बाद दीदी मुझे बोली कि चलो तू ही कर, और फिर मैंने एक ठान ले खड़ा था कि मैं रंगोली करूँगा, मतलब करूँगा, और मैं करता रहा। फिर मुझे चंद्रकांत साहू सर ने सपोर्ट किया, उन्होंने नए नए अवसर मुझे, और जो उन्होंने ज़िंदगी पे जो बुरे वक्त झेले थे कि प्रमोद ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, और जो उन्होंने कहा करना है वो मैं कर रहा हूँ। हमें जो बताया गया है कि ये रेड कलर होता है, ये ब्लू कलर है, यदि हम उन चीज़ों को भूल जाएं तो हम हर कलर्स को एक नया नाम देंगे और फिर हम उसे रीड करेंगे हमारे लिए वो कौन सा कलर है। और मैं उन कलर्स को नया नाम देके, नया समझ के अपना काम करता हूँ, रियलिज्म पे पुट अप करता हूँ कि ये एक्चुअल कैसे होना चाहिए, नेचर को रियलाइज करता हूँ आखिर वो कलर क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। मुझे करते 19 साल हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है अभी कि बहुत बेहतरीन काम होने वाले, बेहतरीन कलर्स आने वाले, मुझे ऐसा लगता है यदि हम इसमें और स्टडी करें और अंदर जाएं तो। और अभी तो ये हमारे देश में ही होता है और देश के अलावा पूरी दुनिया है, तो बहुत बड़ा दुनिया हो सकता है रंगोली पे। रंगोली मिटाते वक्त कभी कभी अखरता ज़रूर है कि हम इतने मेहनत से करते हैं और आखिरी में मिटाना, लेकिन वो मिट जाता है इसलिए नया काम करने का और मन करता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय फोटो के, तो बच्चे बदमाशी करके मिटाते हैं तो मैं भी मजे से मिटाता हूँ। मेरा और भी नए काम देखने के लिए आप आई टैट्यू सब्सक्राइब करें।